हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स में सेमीकंडक्टर फिजिक्स का पार्ट वन डिस्कस किया था और उसमें हमने इंसुलेटर मेटल्स और आपके सेमीकंडक्टर इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था और साथ ही साथ हमने सेमीकंडक्टर की इन डेप्थ भी कुछ स्टडी की थी, जैसे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर क्या हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, बाकी सब हमने डिस्कस किया था। तो जो लोग इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है सेमीकंडक्टर फिजिक्स पे पार्ट वन, काइंडली उसको एक बार अच्छे से देख लें, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अगर आपके वहाँ से अच्छे तरीके से बिल्ड होंगे तो आपको ये लेक्चर काफ़ी इजीली भी समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें फर्दर हमारे पास और क्या है। तो अब है हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो TTA एग्ज़ाम हो BSNL का, या फिर JTO हो, या PSU लेवल्स के एग्ज़ाम्स हो, या फिर इवन गेट के एग्ज़ाम्स भी हैं, उसके लिए भी ये टर्म्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं इन पे कुछ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी पूछे जाते हैं, तो इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि हमारे पास टॉपिक है मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। मोबिलिटी और कंडक्टिविटी की बात करें तो जैसे कि हमें पता है कि जो कंडक्टिविटी होती है मटेरियल की, वो कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हमारे मेटल में या फिर सेमीकंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उन पर डिपेंड करती है या उनके प्रोपोर्शनल होती है। जैसे ही हम कोई सपोज कीजिए किसी मेटल पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, लेट्स से ई अप्लाई किया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई किया, तो उसमें होता क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मेरे मटेरियल के अंदर, जो कि आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी मेटल में या मटेरियल में, उसकी कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है। तो जैसे ही मैं किसी मेटल पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करता हूँ, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेटेड हो जाएंगे और उनकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो भी इनडेफिनेटली बढ़ती जाएगी टाइम के साथ साथ। लेकिन अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में उनका कोलिजन भी होता है, टकराव भी होता है, और जब टकराव होगा तो वो अपनी एनर्जी को लूज कर देंगे, अपनी एनर्जी को खो देंगे। इसी तरीके से जब कोलिजन चलता रहता है तो एक स्टेट आती है हमारी, जिसको हम स्टेडी स्टेट कंडीशन बोलते हैं, और इस स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है, एक फाइनाइट वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाती है, यानी कि हमें वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD मिल जाती है। ये टॉपिक मैं ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन क्योंकि हमारी ये टर्म्स आगे फर्दर यूज होंगी इसलिए एक बार फिर से हमने इनको डिस्कस कर ली है। अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है मेरी VD, उसकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो E के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि VD इज प्रोपोर्शनल टू E, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। और अगर मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाता हूं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मेरे को म्यू मिलता है, और म्यू को हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्दर इनके कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे हमने, इस बार और कर लेते हैं कि इस इक्वेशन में मेरा VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और म्यू है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इनके आपको यूनिट्स याद रखनी बहुत जरूरी है। तो यूनिट्स क्या है इसकी, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। अब जैसे कि हमें पता है कि जो करंट डेंसिटी होती है J, जिसको हम J से डिनोट करते हैं, वो होती है NQVD, यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर में, यानी कि N है कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर में भी डिनोट करते हैं। Q है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अगर मैं यहां से VD की वैल्यू अगर मैं यहां से आपकी मैं यहां पर पुट करता हूं, तो मेरे को क्वेश्चन मिलती है J इज इक्वल टू NQ μe, जबकि मैंने पुट की है वैल्यू। और यहां से एक टर्म मेरे को मिलती है J इज इक्वल टू σe। सिग्मा क्या है आपकी, सिग्मा है आपकी कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। सिग्मा क्या है आपकी, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल या मटेरियल।
और इसको हम डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है ओम इनटू मीटर का इनवर्स। ये आपको मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको कंडक्ट अगर इसको फर्दर हम डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी कि फर्दर अगर इसको
हमारा मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ में क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है